अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेबिन किचन। आप सबकी ईद कैसी गुजरी? मेरी भी बहुत अच्छी गुजरी, टायर्डनेस है इसलिए मैंने आज एक सिंपल सी डिश लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटन चॉप्स लिया है मैंने 500 ग्राम, इसे अच्छे से वॉश करके रख लिया था। ऑनियन स्लाइस किया है एक मीडियम साइज़ का। टमाटो है, एक टमाटो को चॉप करके लिया था। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट है, ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है 1/2 टीस्पून और सॉल्ट आपके टेस्ट के हिसाब से। एक पैन के अंदर मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें ऑनियन डाल देंगे। उसका जब कलर थोड़ा चेंज हो जाए तब इसके अंदर मटन चॉप्स डाल देंगे, उसे अच्छे से स्टर करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली पेस्ट, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने बचा लिया है, धनिया पाउडर, सारे मसाले ऐड करेंगे। सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। टमाटो डाल के इसे अच्छे से हम स्टर करेंगे, इसको हम भूनेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है ताकि हमारे मसाले नीचे से जल ना जाएं। अब इसे अच्छे से हमने भूनना है और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे हमने दम पर पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए। 15 to 20 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। ये रेडी हो गया है, ऑयल भी अच्छे से फ्लोट हो चुका है। अब इसके अंदर हम बचा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और कसूरी मेथी को भी क्रश करके डाल देंगे। इसको 2 मिनट हम सिमर पर पकाएंगे, उसके बाद हम इसे देखते हैं। यह रेडी हो चुका है, अब इसे डिश आउट कर लेंगे। लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से मटन चॉप्स वेरी फास्ट वे से बनकर तैयार हो गया है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।